हेलो गाइस, दिस इज कुशाग। वेलकम टू कुशाग सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के वीडियो डिस्कशन जाना है क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 7। यह चैप्टर 7 ट्रायंगल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। सो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो एंगल्स, एंगल्स में ही ये ट्रायंगल आता है। ये भी तो एक एंगल है ट्रायंगल। सो अभी ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड होती हैं, 3 ही वर्टेक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 ही साइड होती हैं, 3 ही वर्टेक्स होते हैं। ओके, जैसे ये है, ये क्या है, 3 ही साइड हैं, 3 ही वर्टेक्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए 3 साइड हैं और यहाँ पे 3 ही वर्टिक्स हैं। सो अब यहाँ पर देखिए, ये तो ट्रायंगल बता दिया मैंने आपको। अब एक चीज, एक बात आती है, CPCT। क्या CPCT? CPCT क्या होता है, CPCT यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अब ये देखिए, अब आती है एक पार्ट, एक बात और, BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की बेसिक थ्योरम, BPT और CPCT। क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट, CPCT जो हो गया। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब आते हैं हम, अब एक बात और करते हैं हम, कि ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है वीडियो का, और इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। ये पार्ट फर्स्ट है, दोनों ही पार्ट देखने कंपलसरी हैं। सो ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए, पार्ट फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट फर्स्ट में, इस चैप्टर में पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो बता चुका हूँ मैं। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 इस पार्ट में हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्या है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाँ, तो यहाँ देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, इन क्वाड्रेटिकल ACBD कॉमा AC इज इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल AC फिगर। अभी हमें एक फिगर दे रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। सो डेट शो, हमें शो करना है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि हमें शो करना है एक तो एंगल ABC और एंगल ABD को। और यहाँ पे हमें, हम BC इज इक्वल्स टू BD के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ फिगर देखिए आप, क्या दे रखा है फिगर में, से मैं फिगर बना देता हूँ। इस टाइप का फिगर दे रखा है हमें, यहाँ पे फिगर दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी। ये ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ये। अब ये हो गया, ये हमें पूरा फिगर दे रखा है। ठीक है, अब हम इस सवाल पर आ जाते हैं कि सवाल में क्या दे रखा था, हमें क्या शो करना था, ABC और ABD ये हमें शो करने थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। क्या ये जो है AC इज इक्वल्स टू AD है, ये है ना, है AC इज इक्वल्स टू AD। यहाँ क्या हो गया, AC इज इक्वल्स टू AD, ये हो गया है ना। जब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू करना है किसी को, सो ये होगा। पर हमें क्या बताना भी है, किस चीज को बताना, देखते हैं DC एंड BD को, किसको, BC और BD को हमें यहाँ बताना है कि हम इसे क्या जानते हैं, BC इज इक्वल्स टू BD है कि नहीं।
देखिए अब इसके बाद आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये AC दे रखा है और यहाँ AD दे रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CABC AB इज इक्वल्स टू DAB, ये हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे सी भी दे रखा है, बी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने CAB, यहाँ पे क्या कर लिया DAB, ये हो गया। अब ये हो गया, यहाँ पे क्या बन गई है एंगल्स, एंगल्स क्यों बने क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री आ चुकी है, ये बन गए एंगल। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AB इज इक्वल्स टू BA हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BA, इज इक्वल्स टू BA होता है, AB इज इक्वल्स टू BA होता है, तो ठीक है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा अब हमारा हम बनेगा AB C एंगल ABC और फिर क्या बनेगा हमारा एंगल ABC और ABD, ये बनेगा ठीक है। अब यहाँ पे ये बन चुका है हमारा एंगल ABC, हमने बना चुके हैं ABC इज इक्वल्स टू AB D, बन गया ठीक है। ये ऐसे लाइन जा रही है यहाँ पे ठीक है, ये बन गया। अब ये तो हमने कर लिया, अब इसके बाद क्या है, BC इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा क्योंकि ABC हमने बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, BC इज इक्वल्स टू BD है, BC इज इक्वल्स टू BD है, दे रखा है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD जो है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD इज इक्वल्स टू BG BD, और इसमें क्या है, क्वाड्रेटेरियन में जो है AD इज इक्वल्स टू क्या है, BC है ठीक है, एंड एंगल DAB एंड इज इक्वल्स टू एंगल CBA, तो यहाँ पे क्या है, फिर क्या है, और दे रखा है यहाँ पे D एंगल DAB इज इक्वल्स टू X के एंगल CBA के सी फिगर, हमें एक फिगर भी दे रखा है, प्रूफ डेट, हमें प्रूफ करना है किस किस को, फर्स्ट में दे रखा है हमें ABD इज इक्वल्स टू BAC, फिर BD इज इक्वल्स टू AC, ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, तो फिगर देखते हैं, फिगर क्या दे रखा है, फिगर बना लेते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है A और यहाँ लिखा हुआ है D, देखिए यहाँ लिखा हुआ है D और यहाँ लिखा हुआ है C, ये हो गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फिगर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पहले हमें क्या प्रूफ डेट करना था, लिख लेते हैं क्या करना था, ये एंगल AB D इज इक्वल्स टू, ये वाली लाइन बनी हुई है ऐसे, एंगल BAC ये दे रखा है ठीक है। अब ये हो गया, अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करना था हमें यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BC होगा, AD इज इक्वल्स टू BC होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, AD इज इक्वल्स टू BC दे रखा था क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था पहले, AD इज इक्वल्स टू BB हो गया, AD इज इक्वल्स टू BC ये है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डी बी और BCA ये बनेगा, ओ सॉरी ये नहीं बनेगा, CBA DAB CBA ये होगा क्योंकि यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC है ना, पहले भी हम कर चुके हैं ये, सो DAB इज इक्वल्स टू CBA ये होगा ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे बना, अब फिर कौन सा बना, AB इज इक्वल्स टू BA, AB इज इक्वल्स टू BA बना, फिर से AB इज इक्वल्स टू BA ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, क्या बनाना था हमें, एंगल ABD बन गया, D था ABD, ये हो गया, ऐसे वाली लाइन आ गई यहाँ पे, ये यह।
अब यहाँ देख सकते हैं ये भी बन गया BAC, ये भी बन गया। अब ये हमने बना चुके हैं, ये फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट वाला हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में क्या दे रखा था हमें, BD = AC दे रखा था, इसमें दे रखा है BD = AD। दोबारा देख ले, हाँ AC है, AC सॉरी BD = AC ये दे रखा है। अब ये हो ही जाएगा क्योंकि क्या था, ABD हमने जो बनाया था एंगल, ये वाला ABD जो हमने बनाया था = ये लाइन। अब ये जो हमने बनाया था BAC ये बना चुके थे हम, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD = AC हो ही जाएगा, क्योंकि उस वाले उससे पता चल रहा है ना, ये जो है हमारा, ये जो हमने एंगल को प्रूफ डेट करा था पहले, अब इसी एंगल से हमने इसको प्रूफ डेट कर दिया, क्योंकि ये जो लास्ट पे इसके BD दे रखा था और AC, तो BD = क्या हो जाएगा, AC। ओके अब ये हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले की, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं थर्ड में दे रखा है ए एंगल ABD, एंगल दे रखा है हमें ABD = एंगल BAC, क्या दे रखा है, एंगल एंगल ABD = BAC ये दे रखा है। इस ये क्या है, ये प्रूफ डेट कर दिया कि हमने ये ABD = BAC के एंगल BAC के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ABD = BAC, अगर हम यहाँ से ये वाला एंगल हटा के ये लगा देंगे, अब यहाँ से हम इसे हटा के ये वाली लाइन को हटा देंगे तो ये एंगल भी हट जाएंगे, ऐसे वाले ये एंगल भी हट जाएंगे, है ना, ये एंगल बचेंगे = का साइन जो हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमने प्रूफ डेट कर दिया, ये सेकंड और थर्ड वाले को हमने प्रूफ डेट किससे कर दिया, फर्स्ट वाले से, इसलिए ये सारे फर्स्ट वाले से प्रूफ डेट हो गए। पहले हमने फर्स्ट वाले को प्रूफ कर दिया था, अब हमने इन्हें भी फर्स्ट वाले से प्रूफ कर दिया है। ओके सो ये तो होगी एक्सरसाइज 7.1 हो गई ये तो, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। एक्सरसाइज 7.2 में क्या दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है इन ए आइजोस्केल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC, एक आइजोस्केल में ट्राइंगल ABC विद AB = AC, AB क्या है यहाँ पे, = है AC के, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, वो जो बाइसेक्टर है ये क्या है, ये जो हमारे दे रखा था AB = AC द बाइसेक्टर, इसके जो बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर ऑफ बी और सी के बाइसेक्टर जो हैं, अब देखते हैं बी और सी के बाइसेक्टर जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं इसके बाइसेक्टर एंगल बी और सी के एट ओ किसके किस पर करते हैं, एट ओ पर करते हैं, जॉइन ए टू ओ, हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन करना है ए को ओ से, ठीक है। सो डेट अब हम यहाँ देख लेते हैं कि एक में दे रखा है हमें OB = OC ये दे रखा है, अब एक में सेकंड वाले में दे रखा है AO बाइसेक्ट्स एंगल A ये दे रखा है हमें। अब यहाँ फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या है, लिख लेते हैं पहले OB = OC, क्या दे रखा है OB = OC ये दे रखा है ना हमें OB = OC ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारा OB = OC। अब यहाँ पे क्या था, AB = क्या था, AC के था, AB = AC के था, AB = AC था क्वेश्चन में दे रखा था ना, AB = AC ये दे रखा था। अब यहाँ पे OC है, यहाँ पे OB है, अब यहाँ पे AB है, यहाँ पे AC है, ये कंफ्यूजन दूर करना है। सो यहाँ पे AB जो हम बनाते थे, AB
ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी और ए सी बी, क्यों होगा क्योंकि तो हमें ये इसका कंक्लूजन दूर करना है। ए टू जॉइन, ए को हमें जॉइन करना है ओ से, ए को हमने ओ से मिलाना है, तो क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी हो गया, एक ये ट्राइंगल था ना ए बी सी में पढ़ा था है ना, ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी भी कर लेते हैं हम, क्यों करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ये फिगर जो है, यहाँ पे एक हम फिगर बना लेते हैं ऐसे, जो ट्राइंगल ए बी सी थे ना, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है ये, ऐसे करके फिगर था, तो ये है ए, देख लेते हैं फिर भी ए कौन सा है, ये कौन सा, हाँ सॉरी ये है ए, ये है बी सी, ये फिगर दे रखा था ना हमें, सो ये हो गया। अब यहाँ से ये जो है ये जा रही है मिड, ये ओ है, ये यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये लाइन जा रही है, कौन सी लाइन जा रही है, ये ए से ओ की तरफ जा रही है ये वाली लाइन, देखिए। अब यहाँ पे क्या है ए टू जॉइन ओ, ए ओ से जॉइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ हाफ, ये हो जाएगा हाफ ए बी सी इक्वल्स, ए बी सी इक्वल्स टू हाफ हाफ ए सी बी। अब यहाँ हाफ है, ए का हाफ क्या है ओ, तो क्या हो जाएगा ओ बी सी, ओ बी सी इज इक्वल्स टू ओ सी बी, ओ आ गया ए की जगह। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, ओ बी करना था और ओ सी बी, यहाँ ओ सॉरी यहाँ से देख लेते हैं, ओ बी करना था और ओ सी, ओ बी कैसे करेंगे और ओ सी कैसे करेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे ओ सी भी कर सकते हैं इस तरह से, और ओ बी इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे करके मिला भी सकते हैं, ऐसे करके मिला सकते हैं। सो ये क्या हो गया ओ ओ बी, ओ बी यहाँ पे क्या हो गया ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हो गया ठीक है। अब हमने ए को जॉइन कर दिया था ना ओ से, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सेकंड जो हमें दे रखा था, सेकंड में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं, सेकंड में हमें दे रखा है यहाँ पे ये देख लेते हैं हम कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ओ जो है बाइसेक्ट है कि नहीं ये हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि ए क्या है जॉइन है ओ से, ये जो हमें यहाँ दे रखा है ए ओ बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये दे रखा है ना, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ये है। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ए जो है ये जॉइन था ओ से, सो ए और ओ ए की बात है, चाहे ये लिख सकता है चाहे ओ, सो ए ओ बाइसेक्ट्स है एंगल ए के, क्योंकि चाहे तो हम इन्हें जोड़ेंगे सो क्या आएगा, या तो फिर ए ही आएगा या ए आएगा या ओ आएगा, ओ भी आएगा जब भी ये बाइसेक्ट्स होगा एंगल ए के, सो ये क्या है ये बाइसेक्ट्स है एंगल ए के, ए ओ बाइसेक्ट्स है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम क्या देखता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द एंगल ए बी सी, हमें एक एंगल दे रखा है, एंगल नहीं या तो फिर ट्राइंगल कह सकते हैं, इन एंगल ए बी सी कॉमा ए डी इज द परपेंडिकुलर, जो यहाँ में हमारा एंगल एंगल है ए बी सी, उसमें क्या है ए डी इज ए परपेंडिकुलर, ए बी क्या है ए डी परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ बी सी के, बी सी के बाइसेक्टर से ये परपेंडिकुलर है, कौन ए डी, ठीक है। सी फिगर, एक फिगर दे रखा है हमें देखना है, सो शो डेट, उसमें दे रखा है एंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल, ये जो शो हमें शो करना है ये एंगल ए बी सी जो है वो आइसो इज एन आइसोस्केल, वो क्या है एक आइसोस्केल है। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, अब इस जो ट्राइंगल है इसमें भी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है ना, ठीक है। अब ये क्या देखता है यहाँ पे, ये हमारे सीधा साधा सा ट्राइंगल ये हमें दे रखा है, ये मतलब सीधा साधा सा ये भी नहीं है, ये थोड़ा मोटा हो गया ऐसे करके, ये पतला वाला ट्राइंगल हमें दे रखा है, सो यहाँ पे ये बन गई लाइन, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा हुआ है डी, और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम बात करते हैं इसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे सो डेट
एंगल ए बी सी इन इज एन आइसोस्केल, एंगल ए बी सी जो है उसका आइसोस्केल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है ए डी इज इक्वल्स टू डी होगा, क्योंकि ए डी इज इक्वल्स टू डी है, ये लाइन जो जा रही है सीधी वाली, ए डी इज इक्वल्स टू डी ए है, ए डी इज इक्वल्स टू डी ए ये है। ओके, अब ए डी इज इक्वल्स टू डी ए हो गया, क्योंकि ये जो लाइन जा रही थी हमारी ए डी इज इक्वल्स टू डी ए वाली। अब और क्या करना था हमें, यहाँ पे देख लेते हैं ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू करना था हमें ए सी के। अब यहाँ पे पहले तो ये एंगल बना लेते हैं, क्या बना था ए, ये जो ए डी से क्या बना था हमारा, ये ए डी बी बना था, ए डी बी बना है, ए डी बी क्यों बना, ए डी और डी ए सब में दे रखे हैं तो हमें दोनों को जोड़ लिया, ए ए डी बी और यहाँ पे क्या कर लिया ए डी सी, बी सी नहीं थे तो यहाँ हमने बी सी लगा लिए, बन गए एंगल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या इक्वल्स टू होंगे, जैसे ये हुआ था यहाँ पे क्या क्या इक्वल्स टू होंगे, यहाँ पे होंगे बी डी, बी डी होगा बी डी और सी डी, बी डी और सी डी, क्योंकि पहले क्या होते ए डी हुआ था, पहले ए डी, ए डी और डी होते थे, इस बार क्या होंगे बी डी और सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हो गया ठीक है। अब एंगल में बार बार भूल जाता हूँ क्या क्या बनाना रहता है, एंगल ए बी सी बनाना है हमें, ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, तो यहाँ पे हम पहले तो क्या होगा, पहले यहाँ पे बनेगा ए एंगल ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी क्यों बनेगा, अब ये ए क्या है, ए ए रह गया था हमारा, तो ए शुरू में था ए, ए बी डी हो गया, ए सी डी हो गया, ये हो गया ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी तो बनाना था हमें ट्रायंगल से, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ये हो गया ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बताना था हमें, सो ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, ये आंसर आ गया। हमने क्या कर लिया, शो कर दिया हमने ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, हमने ये शो कर दिया कैसे कैसे करके, पहले क्या ए डी इज इक्वल्स टू डी ए, पहले बी और सी बच रहे थे, बी डी और सी डी कर दिया, अब ए बी डी ए सी डी जो बना उस समय ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बना दिया, डी हटा दिया इसमें से, डी भी तो हटेगा ना, सो डी हट गया इसमें से, ये हो गया। अब ये पार्ट हमारा खत्म होता है इसी के साथ साथ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, गाइस बाय।